अब की बार जदयू साफ है, जदयू साफ अगर हो जाए लालटेन हाफ हो जाएगा, काम खत्म। 11 को टूट गया, 2 को बचेगा, टूट के जदयू में आ जाएगा, जदयू से मुस्लिम बन जाएगा। 11 टूटले न जी, दुए को बात है, 13 हो जाएगा, पार्टियां खत्म हो जाएगा, कांग्रेस मिल जाएगा, जदयू में फूल हो जाएगा, राजद हाफ हो जाएगा, काम खत्म। अरे आप बताइए इनके क्या कहेंगे, आप क्या बोलेंगे, हो गया बोलिए इस पे। नहीं अब हो गया, वो ज्यादा मजबूत दिख रहा है ना। नहीं उधर पूछिए ना, अब जदयू ज्यादा मजबूत दिख रहा है। जदयू का यहाँ ठीक है, यहाँ वोट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं बैठनता हूँ, बादल बोल रहे, बादल जनता बोले है, की करे छोटा ऐसे घूमे मगी, बोलिए की करे, बोला की बोलियो, की करे छो, कुछ नहीं, कुछ नहीं करे, कुछ नहीं। वोटर तो छो, हाँ वोटर छे, केकरा देबो वोट अबरी, की माहौल देबे, गांव वाला के देबे, केकरा गांव वाला, लालटेन के, लालटेन के, हां पहले केकरा दे रहो, पहला दे छले तीर के, नीतीश कुमार के दे रहो, नीतीश कुमार साहब राजन में कहना, राजन में गांव के मिलले टिकट, गांव के मिलले गौवा छ, हाँ की लागे छे इस बार जीतते, जीतते जरूर, चर्चा हो छे सब जगह जाय छे, खूब हो रहल चर्चा, खूब चर्चा होने करो, जब यहाँ 10 गे तो करते विकास ही नहीं। अरुण बाबू के विकास कर रहे थे, वो तो नहीं है विकास कर रहे थे, मेवालाल यो नहीं करते, नहीं है गाँव के तो होते विधायक, हैं सब गाँवे न मरे छे, मरे मरते क्यों गांव बिचार के इंडा मरे ना, जैसा वहाँ बोलो की कहे राजीव सिंह भाई यहाँ लालटन छेबे कर एक जगह से तो नहीं होता है, पूरा विधानसभा देता है, हाँ एक के दू जगह देता है, पूरा विधानसभा मतलब जो है, हाँ एक के आदमी सब देते, केकरा देबो देते, अरुण बाबू को क्या देते हो, सब एक अपनी देते हैं, अरुणी बाबू की हो सब अरुण काहे देंगे कहते काहे ले, अब बाजार देखा ना माहौल केनो छे, पूरा रिकॉर्ड टूटते है, की हले की कहलो, 220 रुपया सरसों तेल होगा तो वोट किसको देगा, पेट्रोल इतना महंगा होगा, भाड़ा इतना महंगा होगा, दशहरा है, बच्चा का कपड़ा नहीं खरीद सकते हैं, तो वोट किसको देगा, हैं किसको देगा, बदलाव चाह रहे हैं, एकदम बदलाव चाह रहे हैं, एकदम बदलाव चाह रहे हैं, होगा बदलाव इस बार, क्या लग रहा है जनता का, होगा हाँ बदलाव होगा, और कितनो यहाँ जो है ना 80 को विधायक की 200 विधायक उतार देगा ना नीतीश कुमार, तो बदलाव होगा, गर्मा क्या गए नीतीश कुमार पे, कहा गर्म एकदम पूरा गर्म है, नीतीश कुमार तारापुर को दिया क्या है, अरे लालू जी ने असरगंज ब्लॉक दिया है, लालू जी ने असरगंज ब्लॉक दिया और उसके बाद रजिस्ट्री ऑफिस दिया, अनुमंडल खड़गपुर से लाके तारापुर को दिया, नीतीश कुमार क्या दिया, कोई विकास नहीं हुआ था, कोई विकास नहीं हुआ है, और जितना घुसखोर विधायक था ना उम्र भी गया घुस खा खा के, क्या बोले एक मिनट, जितना विधायक था ना नीता चौधरी से लेके मेवालाल वो चले भी गए, कोई विकास नहीं हुआ, क्या नाम है, मेरा नाम संजीव है, बताइए चाचा क्या कह रहे हैं आप, क्या लग रहा है, लग रहा है कि जीतेगा यही, कौन अरुण बाबू राजद, कहा है कि इसके नीतीश के राज में जो है ना, क्या खूबी है अरुण बाबू में, क्यों अरुण बाबू राजद का चाहिए, नीतीश का नहीं चाहिए, नीतीश सरकार घुसखोरी सरकार है, अफसरशाही सरकार, जहां भी जाइए आप इसमें खाली पैसे का बात होता है, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सुशासन है, शराबबंदी है, बहुत कुछ है, लेकिन उसमें उतनी घुसखोरी है इसके में, क्या बोले 1200 में बोतल बिक रहा है, उंची का बोतल है, वही जो आप बोल रहे हैं शराबबंदी है, कहाँ कहाँ देखे 1200 में बिक रहा है, जहाँ ऑनलाइन कीजिएगा नीतीश कुमार को बोलिएगा ना तो वो भी उसको भी मिल जाएगा, सबको नीतीश मुख्यमंत्री को भी शराब मिल जाएगा, मिल जाएगा, और थाना में इतना पकड़ा रहा है तो वो कहाँ से आ रहा है, वो जो थाना में पकड़ा रहा है वो कहाँ से आ रहा है, चाचा से जानेंगे, क्या लग रहा है आपको, और समीकरण आपका क्या कह रहा है, इधर समीकरण तो मेरा यह कह रहा है कि चूँकि कांग्रेस जो है विपक्ष से लड़ गया, जबकि उनका समीकरण था एक होने का, तो चुनाव की हार तो यहीं हो गई, तो आरजेडी ने कांग्रेस को
नहीं टिकट नहीं, तो टिकट नहीं दिया लेकिन समीकरण तो एक था, गठबंधन के लिए लड़ा था, तो गठबंधन टूट क्यों गया? जनता विश्वास तो यहीं फट गया, समझे सर? और समीकरण जो कहता है, समीकरण जो है कांग्रेस का समीकरण मुस्लिम के साथ है, वो तो मुस्लिम कांग्रेस साथ चले जाएंगे। बाकी में जो बनिया वर्ग का समीकरण अरुण बाबू के पास, तो समीकरण तो जदयू को बनता है, तो जाति स्वजाति के अनुसार जो दो आना चार आना आठ आना बारह आना जो आए ठीक है। इसके बाद समीकरण मिलेगा आपको यादव का, तो यादव का समीकरण दोनों मिलेगा, तो यादव लोग अपने से हिसाब से वोट इसलिए नहीं करेंगे, उनके बिरादरी का नेता है नहीं, तो करेंगे वोट तो करेंगे लेकिन उतना एक्टिव होकर नहीं करेंगे, और जदयू का जो नेता है वो एक्टिव होकर वोट करेंगे। इसमें गठबंधन में कोई टूट नहीं है, सर्वस्व गठबंधन है, जीत तो इसी मिश्रित हो जाए। कौन जीत रहे हैं? जीत राजीव जी जीत रहे हैं। आप जदयू को जिता रहे हैं? जिता नहीं रहे हैं, समीकरण जीत रहा। हम क्यों जिताएंगे? हम जिताने वाले कौन होते हैं? हम सब वोटर, हम एक वोटर हैं, हम तो एक। कैसे आप कहे इसको? समीकरण है ना, सरकार का समीकरण है, और समीकरण जो जो इनका जो समीकरण है गठबंधन का, कहीं टूट विधायक पड़ता है, सब एक है। ये जो तेज प्रताप अलग कहता है कांग्रेस के साथ हम प्रचार करेंगे, आप कहता करके ये कांग्रेस अलग कहता है अलग अलग हो गया हम अलग करेंगे, सबका बटवार टूट गया तो मिलेगा कहाँ से? एक एक करके एक गांठ बनता है, और जब गांठे टूट गया तो कहाँ जाएगा? ज्यादा तो झुकाव दिख रहा है अरुण यादव, अरुण शाह के तरफ वो दिखेगा। लेकिन जब समझा समझ लेगा ना जनता ने, नीतीश कुमार ने मेरे लिए क्या किया, साइकिल दिया, पोशाक दिया, कि महिला को सशक्तिकरण किया, जब देखेगा ना तो हो जाएगा। महंगाई पर जनता इस बार ज्यादा वो सुनिए, तो महंगाई राजद मिस क्या होता है जानते हैं? राजद मिस क्या होता है? राजद मिस राष्ट्रीय जनता दल है। हाँ हाँ ना, उसका भावनात्मक कहत क्या होगा? रार का पार्टी होता है। तो फिर अब क्या राजद का पार्टी है ना? क्या कह रहे हैं चाचा? देखिए वो कहते हैं नीतीश कुमार को देंगे, जदयू को, जदयू मजबूत है यहाँ पर। आपकी जदयू साफ है, आपकी बार जदयू साफ है, लालटेन हाफ है। जदयू साफ अगर हो जाए लालटेन हाफ हो जाएगा, काम खत्म। 11 को टूट जाएगा, दो को बचेगा, टूट के जदयू में आ जाएगा, जदयू समीकरण मुस्त बन जाएगा। 11 को टूटले है जी, दुए को बात है, उतना होगा दो हो जाएगा, 13 हो जाएगा, पार्टियां खत्म हो जाएगा, कांग्रेस मिल जाएगा, जदयू में फूल हो जाएगा, राजद हाफ हो जाएगा, काम खत्म। आप बताइए इनके क्या कहेंगे? आप क्या बोलेंगे? हो गया, बोलिए इस पे। नहीं नहीं, अब हो गया, वो ज्यादा मजबूत दिख रहा है ना। नहीं उधर पूछिए ना, अब जदयू ज्यादा मजबूत दिख रहा है। जदयू का यहाँ ठीक है, यहाँ वोट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा यहाँ, नहीं यहाँ जो भी मिलेगा लालटेन को। बाबा बहुत उम्र दराज लग रहा है, बहुत दिन से बहुत चुनाव देखे आपने, लालू यादव के उम्र से भी देखे, क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो समीकरण किसको ज्यादा? बस लालटेन में हम लोग कहे, अभी बनिया को देना है वोट, कभी बनिया जीता नहीं था, इस बार बनिया को जिताना है। बनिया को इस बार ज्यादा इसलिए अरुण यादव, अरुण शाह को जिताना है बनिया को। जीत वो विकास करेंगे यहाँ पर? हाँ विकास करेंगे। ऐसा क्यों लग रहा है? क्या खूबी है उसमें, क्या देख? खूबी है, हम लोग जाते हैं भागलपुर हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं तो उसकी मदद होता है, हम लोग को मदद करते हैं, उनका बोलबाला भागलपुर हॉस्पिटल में भी है, हम लोग को ऐसे मदद। पार्टी देख कर या आदमी? आदमी देख करके जो पार्टी में खड़ा होते हैं उसमें वोट देते हैं ना, अरुण शाह जिसमें भी ये कोई नीचे सब उस दोनों पार्टी देखते हैं, दोनों का समीकरण करते हैं। लेकिन अभी तो अरुण शाह को क्या नाम हुआ? अच्छा हमारा महेंद्र प्रसाद शाह। और बाबा जानेंगे किसको चुन रहे हैं? है? किसको चुन रहे हैं यहाँ से, कहाँ से, कौन पार्टी को? विधानसभा यहाँ तारापुर से अभी होते तबन समय थे तो आई भी गए समय समय आ भी गए नहीं हमने दिया पर वो हमारे मजा बहन पर आइए आइए क्या बोलेंगे आप बताइए। हाँ क्या बोले हम? वोट देंगे उपचुनाव जो बढ़िया आदमी है उनको वोट देंगे हम। एक होता है ना कि समीकरण किसका मजबूत है, जदयू राजद कांग्रेस या अन्य पार्टी? अभी तो राजद का है। राजद का? क्यों राजद क्यों? ऐसा है कि उसका सरकार भी है और सब कुछ है, सरकार भी है उनका, ऊपर है मोदी जी, तो उन्हीं के सहमत में हैं हम सब। बिहार में तो नीतीश कुमार का सुशासन कहते हैं, वो सुशासन है क्या लगता है? सुशासन को तो यहाँ लूट के रख दिया, क्या दिया है अभी 200 सवा 200 रुपया कड़वा तेल किलो खा रहे हैं,
सब कुछ महंगाई है। और 200 रुपया किलो धान बीज खरीदे हैं, 10 रुपया किलो धान बिकेगा। किसान आदमी हम किसान हैं, ज्यादा आरजेडी के तरफ किसान जाए। हाँ जाएगा ही। अन्य किसान किधर लग रहा है, अन्य किसान जो है आपके संपर्क में ऑन किसान? बताइए आज तक कौन सामाजिक काम किया है, पहले ही बताइए हमको। कौन ऐसा पार्टी है जो सामाजिक, जो देश का भला सोचा है, आप बताइएगा। कितना परसेंट असरगंज में काम हुआ है ये गिनाइए, एक भी पार्टी से क्या काम किया है आज तक? किसको चुन रहे हैं? किसको चुन रहे? अरे हम दोनों पार्टी से पूछ रहे हैं कि हमारे बिहार का क्या हुआ, पहले ये बात बोलिए ना। बिहार का हमारा शिक्षा का स्तर कितना गिरा हुआ है, ये चीज देखे हैं? 15 साल से तो नीतीश कुमार है। अरे 15 साल से नीतीश कुमार रहने से क्या दिक्कत है? नीतीश कुमार रहे चाहे कोई भी सरकार रहे, हमको सरकार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सामाजिक काम कौन करता है आज तक? आज तक देखे हैं कितना लेवल गिरा हुआ है शिक्षा का? इस पर नेता बनने के लिए सब तैयार है पर तो बिहार से हुआ, बिहार का हुआ वो अपने अपने मेहनत से हुआ है, अपने मेहनत से। माहौल तो था बिहार में, माहौल वो बिहार के जो है शक्ति है, बिहार के मिट्टी में शक्ति है, वो अपने मेहनत से हुआ। सरकार अपने तरफ से, सरकार कुछ नहीं करता है किसी का, सरकार वोट लेता है सिर्फ कुर्सी के लिए। सरकार उसको आगे बढ़ाएगी, सरकार तो उसको आगे बढ़ाएगी ना, लेकिन मेहनत तो खुद कर रहे हैं। जितना स्कूल हम हमारे कर, हमारा भी लड़का जो है असर मैट्रिक में जिला टॉपर रहा है, वो हम अपने मेहनत बलबूते पर आया है। मेरा लड़का सरकारी स्कूल में ही पढ़ा लेकिन अपना स्टडी रखा, लेकिन आज तक जो है सरकार जो है शिक्षा के प्रति ध्यान देता है क्या? आज हमारा लड़का जिला टॉपर हुआ मैट्रिक में, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ाई बढ़िया रहा? सरकारी स्कूल में ना अपना स्टडी रहा, समझे बात को, सेल्फ स्टडी से, स्कूल का खाली नाम रहा, समझे? क्या बोल रहे हैं भैया, क्या लग रहा है, क्या कह रहा है, माहौल क्या? और सरकार की तरफ से हमको जो है ना स्कॉलरशिप तक भी नहीं हमारे बच्चे को मिला है। जब स्कॉलरशिप तो सरकार देती है जिला, कहाँ मिला भाई, आज तक नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला। मैट्रिक में जिला टॉपर रहा मेरा लड़का। कितना नंबर आया? 470 नंबर आया था। कहाँ आज तक 5 रुपया पैसा का कुछ मिला है क्या? सही बोल रहे हैं। क्या नाम है आप? मेरा नाम बबलू कुमार है, आकाश कुमार, समझे? नीतीश कुमार रहा है और देखना है, दिखाते हैं। 1 रुपया का कुछ नहीं मिला, कुछ क्या चीज बोले, बोलिए। हम लोग लालटेन को सपोर्ट कर रहे हैं और इस बार अरुण शाह जी भारी बहुमत से निकलेंगे तारापुर प्रखंड से। क्यों ऐसा कहे लग रहा है? क्यों ऐसा लग? क्योंकि वो हमारे बीच के नेता है, असरगंज के आदमी है। नेता चुन रहे हैं या फिर पार्टी चुन रहे? हम लोग नेता चुन रहे हैं। तो किसी भी पार्टी से खड़े होते उनको चुन? हाँ, किसी भी पार्टी से अगर अरुण बाबू खड़ा हो जाते तो हम लोग वोट दे देते। तो इस बार मतलब राजद के तरफ देख रहे हैं? हाँ, इस बार लॉन्ग टर्न हम लोग हैं।